हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीसी ज्वेलरी के ऊपर, क्योंकि इसमें देखिए 90-20% का जो है इसमें अपर सर्किट लगा गया है। तो क्या हमें ऐसे स्टॉक को खरीदारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हो। तो दोस्तों, ज्वेलरी के बढ़ते दामों और डिमांड की वजह से ज्वेलरी सेक्टर में जो है थोड़ा बहुत आपको अपर सर्किट देखने को मिला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीसी ज्वेलरी में 18 रुपीज़ का ये लोएस्ट मारा था, 17 तक चला गया था, और 17 के बाद दोस्तों आज जो हाईएस्ट मारा 22 का आपके सामने है डेटा। लेकिन दोस्तों, ये स्टॉक बहुत ज़्यादा पीटा हुआ है। अगर मैं आप लोगों के सामने 1 ईयर का डेटा दिखाता हूँ, यहाँ देखिए 1 ईयर का डेटा, तो स्टॉक बहुत ज़्यादा पिट चुका है। 150 हाईएस्ट मारा था, 150 हाईएस्ट मारने के बाद ये फिर मतलब पूरा डाउन ही आ चुका है। तो मैं बोलूँगा ये जो स्टॉक है वो क्वालिटी वाला नहीं है, क्वांटिटी वाला है। क्वांटिटी का मतलब दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा हेवी क्वांटिटी, मतलब 50, 100, 200, 500 तक आप खरीद के रख सकते हो, जिससे आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। कुछ ऐसे हैं जो पैसा लगा के छोड़ देते हैं। तो मैं बोलूँगा दोस्तों, ये क्वालिटी वाला स्टॉक नहीं है, क्वांटिटी वाला स्टॉक है। तो मेरे हिसाब से ऐसे स्टॉक में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए, ना के बराबर ही लगाना चाहिए। मेरे हिसाब से उतना भी अच्छा ये कंपनी नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसने जो हाईएस्ट बनाया था, आप देखिए 600 का गया था, हाईएस्ट टच मारा था 600 के बाद, ये देखिए दोस्तों 60 रुपीज़ भी नहीं बचा। 20 का भी लेवल तोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद जो है अभी 17 रुपीज़ तक गया था, अभी फिर 20 तक आ चुका है। और आज के डेट में जो पीसी ज्वेलरी में अपर सर्किट देखा गया है, जो बहुत ज़्यादा अराउंड 20% के आसपास, तो ये क्या है दोस्तों, क्वार्टर रिजल्ट के वजह से हुआ है, ठीक है? अगर ज्वेलरी का डिमांड ज़्यादा बढ़ता है, इसका सेल्स जो है इंक्रीज़ होता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत डिमांड इंक्रीज़ होगा। लेकिन ये स्टॉक ऐसे भी हैं जो लोग वो खा के रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने दोनों गया है दोस्तों, NSE और BSE का परफॉर्मेंस है। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में बहुत हेवी जो है गिरावट है स्टॉक में। तो ऐसे स्टॉक से मैं बोलूँगा थोड़ा सा बच के रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आज के डेट में आपको जो है 20 लगाया है तो आपको खरीदना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आपको लगता है कि आप खरीद सकते हो तो आप देख सकते हो। अगर हम इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं तो वो भी कम है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर दोस्तों ज्वेलरी मतलब गोल्ड में अगर थोड़ा डिमांड इंक्रीज़ होता है, तो टाइटन कंपनी में आपको जो है अच्छा खासा जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और वैसे कंपनी में आपको फोकस रखना चाहिए, क्योंकि उसका जो दोस्तों ब्रांड और कंपनी है वो अच्छा है, और धीरे धीरे वो इंक्रीज़ भी हो रही है। हालांकि दोस्तों पीसी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा हाई में गया था, लेकिन गिर चुका है, ठीक है? और उसके बाद अगर इसका PE रेशियो देखते हैं तो वो भी माइनस में चल रहा है, 5 देख सकते हैं, -5.50 है। यहाँ पर देख सकते हैं PV रेशियो जो है वो भी मतलब बहुत छोटा, ठीक है? डिविडेंड ये कंपनी जो है 2 या 3% का देती है, मान 2 ही% का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2% का तो डिविडेंड दे देगी, लेकिन यार 2% से ज़्यादा तो स्टॉक ही गिर जाएगा। अगर 10% स्टॉक गिर गया है और 2% अगर हमें डिविडेंड मिलेगा तो क्या फ़ायदा, फाइनली हम लॉस में ही रहेंगे। तो ऐसे कंपनी से मैं बोलूँगा थोड़ा सा दूर रहिए। कंपनी का फेस वैल्यू तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अट्रैक्टिव है, लेकिन उतना ज़्यादा डिजर्व नहीं करता है। अब मैं लाता हूँ जंप मारने की असली वजह, जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है दोस्तों, क्वार्टर रिजल्ट में मुनाफा, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं 1 ईयर का, देख लेते हैं दोस्तों 1 ईयर में जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो सबसे अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों -14, 1 मिनट दोस्तों, ये तो क्वार्टर है, क्वार्टर के बाद यहाँ देख लीजिए 1 ईयर का है, ठीक है? 1 ईयर में देख सकते हैं दोस्तों -29.64, मतलब 30% के आसपास जो है सेल्स में डिक्रीज़ हुआ है। सेल्स में डिक्रीज़ हुआ है मतलब कि दोस्तों अगर सेल्स से हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा, सपोज़ मान लो अगर हम अपने लैंग्वेज में बताएं, तो आप मान लीजिए कि आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया और कोई प्रोडक्ट जो है आप सेल करना चाहते हो। मान लीजिए कि आपने एक नया मोबाइल का जो है दुकान खोला, अगर आपका प्रोडक्ट जो मोबाइल है कोई लेगा ही नहीं, आपका प्रोडक्ट जब सेल ही नहीं होगा तो आपको प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। तो उसी तरह अगर ज्वेलरी के यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो सेल्स है वही डिक्रीज़ हो चुका है, तो प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है?
और उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी 50% माइनस में है, नेट प्रॉफिट 50% माइनस में है। तो मैं बोलूँगा अगर आप खरीदना चाहते हो तो सोच विचार कर लीजिएगा, क्योंकि पैसा आपका है। और ये मैं बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों पैसा आता तो मेहनत से है, लेकिन जाता बेवकूफ़ी से है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर देख लीजिए क्वार्टरली रिजल्ट जो है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट में दोस्तों -14% है सेल्स में, और नेट प्रॉफिट अगर लॉस, प्रॉफिट और लॉस देखते हैं तो 18% यहाँ पर जो है आपको रिकवरी मोड में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप इसमें खरीदारी करना चाहते हो तो सोच समझ के खरीदारी कीजिएगा। अगर उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इनक्रेज कीजिए, और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो।